नमस्कार, आप देख रहे हैं ई क्राइम न्यूज शहर आपका खबर हमारी इस वक्त खबर का होगा सर। आइए रुकते हैं उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर पर। उन्नाव संडीला हरदोई मार्ग हरदोई बॉर्डर से पूरी तरह से बड़े बड़े खड्डों में तब्दील और जर्जर हो चुका है। बात करते हैं हम संडीला उन्नाव हरदोई मार्ग की, जहां पर हरदोई जिले की संडीला उन्नाव मार्ग के परौली गांव से लेकर संडीला तक मुख्य मार्ग जर्जर और बड़े बड़े खड्डों में तब्दील हो गया है। मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवागमन करने वाले यात्रियों और आसपास के क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। परौली गांव के लोगों ने बताया, वर्षों से उन्नाव संडीला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस मार्ग की तरफ नहीं देख रहा। पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी भी इस मार्ग को लेकर नतमस्तक बने हुए हैं। इस मार्ग से संडीला हरदोई और जनपद उन्नाव के आला अधिकारी भी आवागमन करते हैं, लेकिन अधिकारी से लेकर लोक निर्माण पूरी तरह से मौन धारण किए हुए हैं। मार्ग जर्जर और बड़े बड़े खड्डों की वजह से दोपहिया वाहनों और चार पहिया वाहनों को आने जाने में बड़ी कठिनाई को सामना करना पड़ता है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन भयंकर एक्सीडेंट भी इस मार्ग पर होते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात की तो इस खबर को इस खराब रोड की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। ग्रामवासियों ने क्षतिग्रस्त मार्ग को लेकर कई बार शिकायत पत्र भी दिया, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। उन्नाव से रिजवान अहमद की खास रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम बेसारी दयालगंज सुंदरपुर का निवासी हूँ। आपकी तहसील क्या लगती है? संडीला ब्लॉक संडीला। संडीला लगता है जी। तो आप लोग को क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत यह है कि बॉर्डर तक ये रोड बहुत खराब है, अक्सर आने जाने में। नहीं, कहाँ का बॉर्डर है? ये उन्नाव रोड बॉर्डर है, संडीला आता है, 8 किलोमीटर का रेंज है। आने जाने में काफी दिक्कत होती है, आए दिन यहाँ गाड़ी फंस जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, मगर इसी प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। आज तक लोग आते हैं, ठेका ले लेते हैं, ऐसे गड्ढा थोड़े बहुत पीट पीट के फिर चले जाते हैं, आज तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। तो आप लोग को जो है इससे सबसे ज़्यादा क्या परेशानी, क्या है, चीज़ की दिक्कत है? बारिश परेशानी क्या, ये रोड बने और हमारे गांव से ये मुक्ति हो जाए, जो गंदगी फैले हुई है क्या। अरे वो आए रस्सी में एक तरफ मार।